रांची के जिला स्कूल कैंपस से राजभवन तक इंडिया गठबंधन के बैनर तले सभी घटक दलों ने पैदल आक्रोश मार्च निकाला। मौके पर मौजूद नेताओं ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है, देश में आपातकाल की स्थिति है, सदन में जबरदस्ती गैर कानूनी सभी फैसले लिए जा रहे हैं, गैर संवैधानिक तरीके से देश के विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है। आने वाले दिन महागठबंधन के नेता संविधान को बचाने के लिए और भी उग्र आंदोलन करेंगे। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नहीं चलेगा लोकतंत्र का अपमान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा लोकतंत्र की हत्या, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की परंपरा का सम्मान करना होगा, करना होगा, करना होगा। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार नहीं, लगातार इंडिया गठबंधन के अंदर सरकार के खिलाफ सड़कों पर हम संघर्ष कर रहे हैं। जोर जुलुम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा। जिस तरह 140 सांसदों को संसद से निलंबित कर देना, ये हिटलरशाही तानाशाही कहा जा सकता है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। देखिए, सदन में जो हिटलरशाही चल रही है, जो तानाशाही चल रही है, उसके विरोध में हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं और गांव-गांव तक जाकर के इसका विरोध करेंगे कि जो लोगों की आवाज़ सांसद होते हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको हम दबने नहीं। देश जानता है और आपको भी जानकारी होती होगी कि पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट का मतलब है कि राज्यसभा और लोकसभा, दोनों में किस तरह से विपक्ष के सदस्यों को निकाला गया, यह करके कि सदन में ये बाधा पहुंचा रहे थे सदन के संचालन में, ये जो है इस तरह का हल्ला गुल्ला हो, विरोध प्रदर्शित हो सदन के अंदर, ये तो संसदीय व्यवस्था का, प्रणाली का एक भाग होता है। निकाले जाते थे पहले भी, दो चार निकाले जाते थे बाधा पहुंचाने के नाम पर, लेकिन अब तो लगा के पूरे को निकाल दिया स्पीकर साहब ने और राज्यसभा के सभापति ने। ऐसा नहीं होता है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मिशन 24 होगा, लेकिन हम तो इस देश के लोगों की आवाज़ बनते हैं। विपक्ष का काम क्या है? सरकार से सवाल पूछना, वो सदन के अंदर में हो या सदन के बाहर में। और जब विपक्ष के विधायक वहाँ पर सवाल पूछते हैं तो उनके ऊपर में आरोप लगा करके उनको निलंबित करने का काम किया जाता। आज 146 सांसद लोकसभा राज्यसभा से बाहर है, इसका मतलब क्या है? ये देश में ही नहीं पूरे विश्व में ये पहली घटना होगी कि इतनी भारी संख्या में सांसदों को बाहर करने का काम किया गया है। और वो सिर्फ इसलिए कि हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए आज लोकसभा के बाहर भी आप देखेंगे, राज्यसभा के बाहर भी सांसदों ने जिनको निलंबित किया गया है वो सारे लोग इसका प्रतिकार कर रहे हैं, आक्रोश मार्च कर रहे हैं। और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के बाहर ही नहीं, सिर्फ जिला हेडक्वार्टर ही नहीं, प्रखंड और पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के कुकृत के खिलाफ हम लोग सड़कों पर हैं। और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, हम सड़कों पर रहेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे।